अचलेश्वर महामंदिर के पट नहीं खुलने से भक्तों ने बाहर से ही महादेव के दर्शन किए। मंदिर प्रबंधन ने बताया कि अभी प्रशासन की ओर से उन्हें मंदिर को खोलने की परमिशन नहीं दी गई है। प्रबंधन का कहना है कि मंदिर में पूरी व्यवस्था कर दी गई है, प्रशासन के आदेश आते ही श्रद्धालुओं को मंदिर के अंदर प्रवेश कर दर्शन मिल सकेंगे। ग्वालियर जिला प्रशासन द्वारा मंदिरों सहित पूरे आस्था के केंद्रों को सावधानी रखते हुए खोलने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन प्राचीन मंदिर श्री अचलेश्वर महादेव के पट सोमवार को नहीं खोले जा सके। मंदिर प्रबंधन का कहना है कि प्रशासन ने उन्हें मंदिर के पट खोलने संबंधी आदेश लिखित में नहीं दिए हैं, इसीलिए वे मंदिर के पट नहीं खोल सकते और श्रद्धालुओं को बाहर से ही दर्शन करना मजबूरी है। मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं ने बाहर से ही भगवान अचलनाथ के दर्शन किए। अनुमान सोमवार के दिन अचलेश्वर महादेव मंदिर पर 50,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं का जमावड़ा होता है, लेकिन कोरोना के चलते कम संख्या में ही श्रद्धालु अचलेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे। गौरतलब है कि पूरे प्रदेश में कोरोना के चलते एहतियात बरतते हुए आस्था के केंद्रों को खोलने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने अभी कोई भी सकारात्मक निर्णय मंदिर खोलने के विषय में नहीं लिया है, बैठक में जरूर बुलाया था, लेकिन अभी पक्का ये नहीं है कि मंदिर खोलना है। उसके बावजूद यदि प्रशासन ये निर्णय लेता है कि मंदिर खोले जाए तो बड़े धन्यवाद हम प्रशासन का करते हैं, क्योंकि प्रशासन जो है जो भी निर्णय लेगा सही लेगा और जो गाइडलाइन हमको देगा वो लोगों के संरक्षण के लिए, लोगों की प्राणों की रक्षा और लोगों के जो है भावनाओं की का सम्मान करते हुए लेगा। हमने वैसे पूरी अपनी तैयारी अचलेश्वर मंदिर पर कर रखी है। यहाँ पर जो है लोगों की भावनाओं के साथ साथ लोगों को किसी प्रकार के संक्रमण का सामना ना करना पड़े, इसके लिए हमने जो है बहुत अच्छी व्यवस्थाएं बनाई गई है। न्यास के द्वारा जो व्यवस्था बनाई गई, शासन प्रशासन के जो आदेश है निर्देश है उन सभी आदेशों को मानते हुए न्यास ने कल ही हम लोगों ने सारी व्यवस्था कर ली थी। मंदिर के चारों तरफ बैनर लगा दिए गए थे, उसमें लिखवा दिया गया था बिना मास्क के प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मंदिर प्रांगण में जो भी धर्म प्रेमी बंधु आएगा उनका सैनिटाइजेशन से हाथ धुलाए जाएंगे या साबुन से हाथ धुलवाए जाएंगे। तो 60 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति न्यास में प्रवेश ना करे, ऐसे प्रशासन के आदेश हैं। कोई छोटा बच्चा जो 10 साल से कम उम्र का है वो भी प्रवेश ना करे, क्योंकि प्रशासन ने ये निर्देश दिए थे कि धूप बत्ती वगैरह नहीं चढ़ेगी, प्रसाद नहीं चढ़ेगा, पिंडी को नहीं छुआ जाएगा, तो सिर्फ दर्शन ही होने थे बाबा के, तो हम लोगों ने उस हिसाब से व्यवस्था कर दी थी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखन न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।